नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञान अर्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे रीट की तैयारी कर रहे हैं लेवल सेकंड सोशल साइंस सब्जेक्ट की। तो हम यहाँ पे यूनिट 4, 5 और 6 कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। हमारी यूनिट 7 चल रही है और 7 में भी बहुत सारे चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं जिसका नाम है संसाधन और विकास। यहाँ पे हमने संसाधन प्रकार पढ़ लिए, मृदा पढ़ ली, कृषि पढ़ ली, खनिज संसाधन संरक्षण हम साथ साथ पढ़ रहे हैं और ऊर्जा संसाधन और ऊर्जा संरक्षण ये भी हमने पढ़ लिया। आज हम उद्योग पढ़ेंगे, इसके बाद में हमारे मानव संसाधन बाकी रहेंगे, उसके बाद में हमारी ये वाली इकाई कंप्लीट हो जाएगी। तो बिना देर के शुरू करते हैं उद्योग शुरू करते हैं दोस्तों। उद्योग से पहले जो ऊर्जा संसाधन मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए थे उसमें ऊर्जा संसाधनों का जो खनिज संसाधनों का विभाजन तो मैंने आपको बता दिया था कि खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक खनिज। लेकिन जो ऊर्जा संसाधन होते हैं कोयला पेट्रोल वगैरह वो भी दो प्रकार के होते हैं। कई बार इस विभाजन में से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो मुझे लगा एक बार आपको बता देना चाहिए, अगली वीडियो में मैं समझा दूंगी। तो ऊर्जा संसाधन दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं और एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं। परंपरागत वो है दोस्तों जो पुस्तैनी रूप से बहुत प्राचीन काल से जा रहे हो। गैर परंपरागत मतलब नाम से पता चल रहा है जो परंपरागत नहीं है, मतलब जिनका विकास अभी नवीन ही हुआ है, है ना, जो नए हैं, ठीक है। तो परंपरागत में कौन से आते हैं, बस आपको यही याद रखना है, डेफिनेशन इनके कोई नहीं पूछेगा। परंपरागत में निम्न में से कौन सा खनिज परंपरागत संसाधन नहीं है ऊर्जा का, या फिर निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, ऐसे पूछते हैं, है ना। तो कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत। कोयला और पेट्रोल का तो दोस्तों आप सबको पता होता है कि ये परंपरागत है, बहुत सालों से उपयोग में ले जा रहे हैं। लेकिन प्राकृतिक गैस और जल विद्युत ये दोनों भी परंपरागत स्रोत ही माने जाते हैं, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत, ठीक है। और पेट्रोल को काला सोना भी बोलते हैं दोस्तों, इसलिए लिख दिया कि कभी काला सोना आपसे पूछे और आप उसको कोयला कर दो। नहीं, कोयले को नहीं बोलते हैं, ये पेट्रोल को बोलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। तो कौन से हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, जल विद्युत हो गया और प्राकृतिक गैस हो गया, चार है, ठीक है। अब गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से हैं, गैर परंपरागत में दोस्तों पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, ये सारे जो हैं गैर परंपरागत में आएंगे। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और बायो ऊर्जा, ठीक है। तो ये विभाजन आप याद रख लेना, इसमें से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ये। अब शुरू करते हैं उद्योग। हमें यहाँ पे दोस्तों विश्व के उद्योग पढ़ने हैं, इतने क्वेश्चन नहीं आते कि उद्योग में से में भी शायद एक क्वेश्चन आए, या फिर ज़रूरी नहीं है वो भी आए या नहीं आए, क्योंकि हमारे पास भारत और राजस्थान के उद्योग अलग से दे रखे हैं और उनमें से ही क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ते हैं। लेकिन अगर फिर भी सिलेबस में लिखा है तो पढ़ना तो बनता है, इसलिए हमने यहाँ पे पढ़ा है। तो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में नोट्स बनाए इसके, शुरू करते हैं। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण और सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। उद्योग क्या होता है, उद्योग एक आर्थिक गतिविधि है। आर्थिक मतलब जिससे हमें पैसे मिलते हैं, हमारे पास अर्थ आता है ना। आर्थिक गतिविधि है जो कि वस्तुओं का उत्पादन करती है उद्योगों के माध्यम से, खनिजों का निष्कर्षण मतलब या तो निकालना या फिर उनका शोधन करना, और सेवाओं की व्यवस्था होती है। विभिन्न प्रकार की सेवाएं भी हमें उद्योगों के द्वारा मिलती हैं, ठीक है। तो एग्जाम परिभाषा तो सिर्फ पढ़ने के लिए होती है दोस्तों, आप सबको पता है उद्योग क्या होते हैं। अब उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, देखो सबसे पहले तो कच्चे माल की उपलब्धता, कि किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए सबसे पहले चाहिएगा कि हम किस चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं और उस चीज़ का उत्पादन हम करेंगे किस चीज़ से। जैसे कि हमें सूती वस्त्र बनाने हैं, है ना, कपड़े की फैक्ट्री लानी खोलनी है, तो कपड़े की फैक्ट्री के लिए हमें धागा चाहिएगा, और धागा कहाँ से आएगा, धागा मिलेगा हमें कपास से, तो कौन सा हो गया, कच्चा माल हो गया, कपास, है ना। जैसे कि हमें चीनी की फैक्ट्री खोलनी है तो चीनी के लिए हमें कच्चा माल क्या चाहिए, गन्ना चाहिए ना, गन्ने से ही तो बनाएंगे चीनी। तो सबसे ज़रूरी है कच्चा माल की उपलब्धता। जहाँ पे चीनी की फैक्ट्री तो हमने खोल ली, गन्ना आसपास कहीं है ही नहीं, तो फिर हमारे उद्योग बनाने का लगाने का क्या मतलब है। हम वही तो उद्योग लगाएंगे जहाँ पे हमें गन्ना उपलब्ध होगा, चुकंदर उपलब्ध होगा, वहीं पे तो चीनी का उद्योग लगाएंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है कच्चे माल की उपलब्धता। दूसरा होता है भूमि, उद्योग के लिए ज़रूरी है आवश्यक भूमि हमारे पास हो, है ना। सबको पता है कि ये सब चीज़ें, जल की आवश्यकता होती है हर एक उद्योग में, पानी की तो आवश्यकता होगी ही, है ना। इसके अलावा श्रम,
होते हैं, मतलब श्रमिकों की आवश्यकता होगी। कोई अकेला आदमी ना तो उद्योग लगा सकता है, ना बना सकता है, ना चला सकता है ना, उसके लिए समूह में श्रमिकों की आवश्यकता हमें होती ही होती है। इसके अलावा शक्ति, मतलब हमें विद्युत की आवश्यकता होगी, कोयले की, पेट्रोल की, अलग अलग उद्योगों में अलग अलग तरह की शक्ति की आवश्यकता होती है। पूंजी सबसे इम्पोर्टेंट, तो दोस्तों पूंजी के बिना तो उद्योग लग ही नहीं सकता। परिवहन, अब उद्योग हमने खड़ा तो कर लिया लेकिन कच्चा माल हम कहीं से मंगवा रहे हैं, उसके लिए परिवहन चाहिए। फिर बने हुए माल को वापस बाजारों तक पहुँचा रहे, उसके लिए परिवहन चाहिए, तो परिवहन सबसे इंपॉर्टेंट। और फिर है बाजार, कि बनाए हुए उद्योग को बेचने के लिए पास में आवश्यक बाजार भी होना जरूरी है। कि मान लो हमने इंडिया में कोई चीज बनाई लेकिन इंडिया में उस चीज़ को कोई समझता ही नहीं है, जानता ही नहीं है, उस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं अमेरिका वाले, तो क्या हम उसे अमेरिका में लेके जाके बेच के आएंगे? और फिर अमेरिका में बेचेंगे तो क्या हमारे प्रॉफिट होगा? तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले हम देख लें कि हम जिस चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं क्या उसका बाज़ार हमारे आसपास उपलब्ध है, मतलब उसको खरीदने वाले लोग हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये होते हैं कच्चे माल को, सॉरी, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। उद्योग लगाने से पहले इन कारकों को देखना ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले बढ़ते हैं दोस्तों लोहा इस्पात उद्योग। भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, राउरकेला और बोकारो भारत के प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग के क्षेत्र हैं। यहाँ हमारे लोहा इस्पात उद्योग के कारखाने लगाए गए हैं, भिलाई में, दुर्गापुर में, बर्नपुर में, राउरकेला में और बोकारो में। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी दोस्तों हमारी पहली कंपनी थी जो निजी कंपनी थी, और 1947 जब हम स्वतंत्र हुए उससे पहले भारत में लोहा इस्पात बनाने की एक ही कंपनी थी और उसका नाम था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो भी निजी क्षेत्र की थी, मतलब प्राइवेट थी। लेकिन 1947 के बाद में जैसे ही भारत आज़ाद हुआ इस कंपनी को सरकार ने अधिग्रहित कर लिया। अब 1907 में टिस्को की शुरुआत हुई थी, ये जो कंपनी है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसे ही टिस्को बोलते हैं। शुरू कब हुई थी? 1907 में हुई थी, साक्ची नामक स्थान पे हुई थी जिसका नाम बदल वर्तमान में जमशेदपुर कर दिया गया है। तो ये चीज़ें आप इसके बारे में थोड़ा सा याद रख लेना, क्योंकि भारत में लोहा इस्पात उद्योग की शुरुआत करने वाली कंपनी टिस्को ही थी, 1907 में शुरू हुई थी, साक्षी स्थान पे हुई थी, वर्तमान नाम इसका बदल दिया गया जमशेदपुर के नाम से। 1947 तक यही एकमात्र कंपनी थी, 1947 के बाद में सरकार ने इसे अपने अधिग्रहण में कर लिया था। अब दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा लोहा इस्पात उद्योग कहाँ है? पिट्सबर्ग क्षेत्र में। ठीक है, इतना ही दे रखा है दोस्तों एनसीईआरटी में, तो मैंने वहीं से ये मैटर उठाया है। तो अगर एनसीईआरटी में इससे ज़्यादा नहीं दे रखा तो हमारे पढ़ने का कोई अर्थ होता नहीं है, क्योंकि उनसे बाहर क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आएंगे नहीं। अब सूती वस्त्र उद्योग। भारत में सूती वस्त्र उद्योग की प्रथम मिल 1854 में खोली गई थी मुंबई में, यह प्रथम सफल मिल थी। इससे पहले कई सूती वस्त्र बनाने की असफल मिलें खोली गई थी, लेकिन प्रथम सफल मिल 1854 में मुंबई में खोली गई थी। अब सूती वस्त्र के लिए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है अनुकूल और आर्द्र जलवायु चाहिए, है ना, जो हमें कहाँ पे मिलती है? भारत में सबसे ज़्यादा मुंबई और गुजरात में मिलती है, इसलिए हमारे सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र का विकास भी मुंबई और गुजरात में ही शुरू में तो हुआ था। लेकिन वर्तमान में क्या होता है दोस्तों, कृत्रिम आर्द्रता का निर्माण कर लिया जाता है। जहाँ पे भी सूती वस्त्र की फैक्ट्रीज होती है वहाँ पे ह्यूमिडिटी कृत्रिम रूप से निर्मित कर ली जाती है ना। इसलिए आजकल कोयम्बटूर जो तमिलनाडु में है, कानपुर जो यूपी में है, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, इन सब में, है ना, कलकत्ता, लुधियाना, पुदुचेरी, इन सब में जहाँ भी कपास इनको मिल रही है, कपास अगर ना भी मिले दोस्तों तो भी सूती वस्त्र उद्योग का मतलब हम कहीं भी लगा सकते हैं। पर क्यों? क्योंकि कपास जो है वो ऐसा कच्चा माल है जिसकी वैल्यू कहीं ख़त्म नहीं होती, मतलब जितने कपास को कहीं से लाने का भाड़ा होगा ना उतना ही उससे वस्त्र बन जाएगा। अब देखो उसमें तो क्या होता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग होता है, मतलब कपास को बोलते हैं शुद्ध कच्चा माल है, मतलब हम जितनी कपास उपयोग करेंगे उतना ही कपड़ा हमें वापस मिल जाएगा, है ना। लेकिन ये जो गन्ना चीनी उद्योग है, ये जो सीमेंट उद्योग है ना, इनमें क्या होता है दोस्तों कि इनमें जैसे सीमेंट के लिए बहुत सारा चूना पत्थर वगैरह चाहिए, है ना, और इनसे थोड़ी सी सीमेंट बनती है। गन्ने के लिए भी, चीनी के लिए भी बहुत सारा गन्ना चाहिए जिससे थोड़ी सी चीनी निकलती है ना। लेकिन कपास के मामले में ऐसा नहीं है, कपास को हम कहीं से भी, मतलब लोड करने में भी इजी होती है, लाने में भी, क्योंकि बहुत हल्की होती है ना। और कपास जितना शुद्ध कच्चा माल होता है, कपास को जितनी कपास हमारे पास होती है उतना ही इससे वापस हम मतलब प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वर्तमान में कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कलकत्ता, लुधियाना, पुदुचेरी, इन सब में हमारे यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग
बहुत अच्छे से चल रहे हैं। भारत का मैनचेस्टर दोस्तों अहमदाबाद को बोला जाता है, लेकिन उत्तरी भारत का मैनचेस्टर आपसे कोई पूछे तो कानपुर को बोला जाता है, ठीक है। भारत का मैनचेस्टर वैसे अहमदाबाद है, लेकिन उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कोई पूछे अगर आपसे तो कानपुर को बोला जाता है। उसका जो है जापान में है, जापान में सूती वस्त्र का है, और जापान का है ओसाका को, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मोटर गाड़ी तो विकास उद्योग भी बोलते हैं, ग्रोथ इंडस्ट्री भी बोलते हैं, है ना। विश्व में जो यूएसए है, यूएसए का विकास वहां पे हुआ है। इसके अलावा भारत में कोलकाता, चेन्नई, पुणे, गुड़गांव, कोलकाता में इनमें बहुत सारी गाड़ियां यहाँ पे बनाई जा रही है। अब थोड़ा सा ये दे रखा था कि भारत है, तो मैंने सोचा एक बार आपको भी मैप बना के समझा दूं कि भारत में कितने औद्योगिक प्रदेश हैं। तो ये औद्योगिक प्रदेश को आप नाम याद रख लेना, ज्यादा से ज्यादा आपसे ये पूछ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि भारत में कितने प्रदेश हैं, तो कितने हैं, 8, है ना। और ज्यादा से ज्यादा ये पूछ लेंगे निम्न में से कौन सा भारत है ना, तो 4 नाम दे देंगे, उनमें से एक ये दे देंगे और 3 अन्य दे देंगे, तो उनमें से आपको छांटना है। तो इनके नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले तो है दोस्तों मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, ये यहाँ पे स्थित है, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, ठीक है, ये रहा मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। फिर है बंगलोर तमिलनाडु, यहाँ पे है दोस्तों बंगलोर तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश, ये रहा। फिर है हुगली औद्योगिक प्रदेश, कोलकाता में है हुगली औद्योगिक प्रदेश। फिर है अहमदाबाद वडोदरा, तो आपको पता है गुजरात में स्थित है अहमदाबाद वडोदरा, तो गुजरात में स्थित है अहमदाबाद वडोदरा औद्योगिक प्रदेश। फिर है गुड़गांव दिल्ली मेरठ, हमारे मतलब भारत का जो दिल बोला जाता है वो है दिल्ली, तो यहाँ पे है गुड़गांव दिल्ली औद्योगिक प्रदेश। फिर है कोल्लम तिरुअनंतपुरम, ये यहाँ पे है दोस्तों नीचे ही नीचे केरला में, है ना, कोल्लम तिरुअनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। फिर है छोटा नागपुर का पठार, ये रहा हमारा छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड में स्थित है। यहाँ पे दोस्तों कोयला बहुत सारा मिला है, लोहा बहुत सारा मिला है, इसलिए यह भी औद्योगिक प्रदेश बन गया है। फिर है विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, ये रहा आंध्रा में विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश। तो ये हमारे 8 औद्योगिक प्रदेश हैं दोस्तों, एक बार फिर से देख लीजिए, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, बंगलोर तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली औद्योगिक प्रदेश, अहमदाबाद वडोदरा औद्योगिक प्रदेश, छोटा नागपुर, हुगली, विशाखापट्टनम और कोल्लम तिरुवनंतपुरम। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो नॉर्थ में सिर्फ एक है, एक बार ऐसे देख लो, उत्तर में सिर्फ एक है दिल्ली वाला, तो गुड़गांव दिल्ली हो गया, है ना। फिर नीचे उतरते हैं हम, फिर गुजरात में आते हैं, गुजरात में नाम है अहमदाबाद वडोदरा। फिर बीच में आते हैं, बीच में है छोटा नागपुर का पठार। फिर इधर कलकत्ता में आते हैं तो हुगली, है ना। फिर गुजरात से नीचे आएंगे तो मुंबई तो होना ही होना है, तो इसके बाद आ जाएगा मुंबई, है ना। और फिर विशाखापट्टनम का नाम हमने बहुत सुना है, तो इधर आ जाएगा विशाखापट्टनम। बंगलोर तो हमारा हब है ही, सिलिकॉन इंडस्ट्री जो हमारी बोली जाती है, तो बंगलोर तमिलनाडु, और नीचे नीचे फिर केरला वाला कोल्लम तिरुवनंतपुरम। तो ईजी है याद करना। तो ये थे दोस्तों हमारे उद्योग और औद्योगिक प्रदेश, विश्व के उद्योग हमने यहाँ पे पढ़े हैं। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।